फॉरेन कंट्रीज के पेंटर हैं वो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं मतलब जो दिन में आदमी 500 700 800 हजार फुट काम कर लेता है 8 से 10 से 20 गुना काम ज्यादा कर पाएगा एक ही दिन में आज के जमाने में सबको स्पीड इंपॉर्टेंट है मेरा विजन वही है कि पेंटर की आमदनी बढ़नी चाहिए क्योंकि तो जो अभी 800 1000 पर फीट से ज्यादा नहीं कर पा रहा है वो आराम से 10000 पर फीट तक जा सकता है तो जब आपका काम बड़ा हो तो आपको अल्ट्रा अल्ट्राबे सीरीज ही इस्तेमाल करना है तो हम चाहते हैं कि कस्टमर मशीन खरीदे और खरीदते समय यहाँ के ट्रेनिंग ट्रेनिंग ले ट्रेनिंग लेने के बाद वो नॉन स्टॉप छोटे मोटे प्रॉब्लम को खुद ही रिपेयर कर देगा फ्रेंड्स वेलकम टू न्यू वीडियो अभी मैं आया हूँ विजन इंटरप्राइस में और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे स्प्रे गन है। तो आज फेसिफिक हम ये जानने वाला है कि आपने ज्यादातर देखा होगा कि बाहर और बड़ी साइटों पर स्प्रे गन का ज्यादातर यूज होता है और इनका ये सारे प्रोडक्ट्स है तो आज हम जानने वाले डिटेल में कि ये प्रोडक्ट हम कैसे और कहाँ पर यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ गौरव शाह से हेलो सर नमस्ते 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 हाँ। सर सबसे पहले तो मैं अभी देख रहा हूँ विजन इंटरप्राइज है तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये आपने नाम कैसा सोचा है विजन इंटरप्राइन तो आपने सवाल अच्छा किया तो ये इंडस्ट्री में मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू से कनेक्टेड हूँ तो मैंने जो इंडस्ट्री में देखा पिछले सालों में जब मैंने अपना कंपनी स्टार्ट किया तब मेरा यही विजन था कि अपने यहाँ जो स्प्रे पेंटर्स आप देखेंगे गन में सिंबल गया स्प्रे करता हुआ और नाम रखा है विजन विजन इस हिसाब से कि मैं ये देख रहा हूँ कि जो फॉरेन कंट्रीज के पेंटर हैं वो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं क्यों क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं तो मेरा यही विजन है कि इंडिया के जो पेंटर्स हैं वो अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं अगर वो अच्छे इक्विपमेंट्स अच्छे मशीन का इस्तेमाल करेंगे ताकि क्या हो जाएगा इनका जो डेली का आउटपुट है मतलब जो दिन में आदमी 500 700 800 सौ हजार फुट काम कर लेता है वही आदमी अगर अच्छे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेगा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा तो आराम से 8 से 10 से बीस हजार मतलब इक्विपमेंट के हिसाब से 8 से 10 से 20 गुना काम ज्यादा कर पाएगा एक ही दिन में अब जब वो उसके लिए अपडेट हो जाएगा तो उसकी आमदनी अपने आप बढ़ जाएगी तो ये यही विजन से मैं ये सारे प्रोडक्ट्स लाया हूं कि अपने इंडिया के पेंटर्स की आमदनी बढ़े आप काफी अच्छी सोच के साथ आपने नाम रखा है थैंक यू uh, सर मुझे आप बता सकते हो कि इसमें प्रोडक्ट्स जैसे कि आ, मुझे आइडिया तब तक पेंटिंग के लिए लोग कहते हैं कि हाउस पेंटिंग के लिए जाता कर ये एल एस का न्यूज होता है हुँ. पर मेन टॉपिक ये होता है कि इसके मॉडल्स कितने और किस तरह से इसे यूज करना चाहिए हाँ आपका सवाल सही है कि जैसे इतने सारे मॉडल्स हैं और ये कहाँ कहाँ यूज होता है हाउस पेंटिंग में तो होता है वो आप जानते हैं लेकिन इसके अलावा भी कहाँ कहाँ यूज होते हैं तो साहब सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो पूरी रेंज है ऊपर वाली वो ज़्यादातर पेंटिंग के लिए इस्तेमाल होगा लो विस्क साहब वो पेंटिंग एक इंडस्ट्री है जो नॉर्मली आदमी सोचता है हाउस पेंटिंग लेकिन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है पेंट के अलावा मतलब हाउस पेंटिंग के अलावा इंडस्ट्रियल पेंटिंग होता है कई सारे इवन फर्नीचर इंडस्ट्री में फेविकॉल जैसे मटेरियल को भी स्प्रे करके लगाया जाता है क्योंकि प्रोडक्टिविटी स्पीड चाहिए आज के ज़माने में सबको स्पीड इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल पेंट्स हो गया वाटर प्रूफिंग कोटिंग्स हो गए तो ये सारा मटेरियल जिसको भी आपको सरफेस पे लगाना है जल्दी से लगाना है ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना है इन सारी चीज़ों के लिए आपको स्प्रे इक्विपमेंट चाहिए और उन सब में जो आजकल ज़्यादा ट्रेंडी है या ज़्यादा फास्ट है उसके लिए एयरलेस मशीन्स का इस्तेमाल होता है और एयरलेस मशीन्स की हमने बहुत बड़ी रेंज रखी है आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी रेंज शायद ही किसी के पास आपको हिंदुस्तान में मिलेगी तो ये रेंज रखने का पीछे का कारण ही वही है कि कस्टमर की अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने बजट के हिसाब से वो मॉडल सिलेक्ट कर सकता है मतलब रेंज उतना मिलेगा तो उसके बजट के हिसाब से उसका जो आ, एप्लीकेशन है जैसे किसी को पुट्टी करना है तो मैं छोटा मशीन नहीं दे सकता उसको बड़ा मशीन लगेगा किसी को इंडस्ट्रियल हाई वॉल्यूम सॉलिड्स कर रहा है कई तो ऐसे होते हैं वॉल्यूम सॉलिड मतलब कि थिनर का का पानी होता भी कंटेंट नहीं रहता उसमें वो पूरा का पूरा सॉलिड मटेरियल होता है तो उसके लिए हमारे पास बड़े मॉडल्स है ठीक है तो ऐसा जो वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन है जो सीखने के लिए एयरलेस इस्तेमाल करना चाहता है तो उनके लिए बेसिक मॉडल भी होता है हमारे पास तो हर एक का अपना अलग रिक्वायरमेंट है तो वन साइज फिट्स ऑल ऐसा इसमें नहीं है आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मॉडल सजेस्ट किया जाएगा और उसी हिसाब से आपको मॉडल दिया जाएगा ताकि आपको रेंज मिले ऐसा ना हो कि जबरदस्ती लिमिटेड ऑप्शन मिले वो सर आपने बताया वैसे बहुत सारे मॉडल है, हाँ। तो सा हाँ, ये, 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 ये है इंट्रोडक्शन में ये एक अच्छा पैरामीटर हो जाएगा सबसे पहला मॉडल जो अभी आपको मैं अगर मैं ले चलता हूँ ये जो है बेसिक एक्सिक्स मॉडल है हम डी मॉडल बोलते हैं इसको ये मॉडल क्या होता है कि कई लोग घर में खुद पेंट करना चाहते हैं मतलब या तो कोई प्रोफेशनल पेंटर है जिसको फर्स्ट टाइम लेना है देखना है एयरलेस काम कैसे करता है तो उनके लिए बेसिक मॉडल है मॉडल ऐसा है लो विस्कस अगर रेगुलर पेंट है तो थोड़ा पानी का पोर्शन आपको ज्यादा रखना पड़ेगा उससे आप इससे काम कर सकते हो लेकिन ये मॉडल का ज्यादा लाइफ नहीं होता है तो आप सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो या अपने घर के खुद इस्तेमाल जैसे फॉरिन कंट्रीज में ऐसा है पेंटर महंगा पड़ जाता है अपने आप पेंटर लोग कहते हैं लेकिन अवेलेबल भी है फॉरन में तो बहुत दिक्कत है लोग अपने घरों को खुद पेंट करते हैं उस कैटेगरी के, के लिए ये मशीन ठीक है खुद हाँ खुद से काम करने के लिए यस 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 बाकी अगर बेसिक प्रोफेशनल मशीन जो जिसको ठेकेदारी करते हैं जो बेसिक जो बेसिक पेंटर है जो ठेकेदार बनने जा रहा है वो पहली बार में आ, हैवी ड्यूटी मशीन नहीं खरीद सकता है तो उनके लिए ये बेसिक मॉडल्स है ये जो चार मॉडल आप देख रहे हैं वो अपने अपने चॉइस के हिसाब से थोड़ा सा कैपेसिटी का डिफरेंस है लेकिन ये जो मॉडल्स हैं आपको दिन में तीन से पांच हजार छ हजार स्क्वायर फीट काम करने के लिए सुटेबल है और उतना एक एंट्री लेबर कॉन्ट्रेक्टर है उसके लिए इतना बजट में मतलब समझो कि ये सब मॉडल पचास के नीचे हैं कई तो ऐसे हैं जो बीस हज़ार के आसपास की कीमत के हैं तो वो प्राइसिंग में एंट्री लेवल कॉन्ट्रैक्टर को अपने बजट में एक काम करने के लिए एक मशीन मिल जाता है और इतना मेरा कमिटमेंट है कि ये जो प्रोडक्ट्स वो खरीदेगा अगर उसके पास काम है तो विद इन फिफ्टीन डेज पंद्रह दिन में अपना पैसा जो है वो कमा लेगा और जिसके पास चाल सही मिला वो पाँच से दस दिन में अपना पैसा कमा लेगा मेरा विजन वही है कि पेंटर की आमदनी बढ़नी चाहिए लेकिन आमदनी ऐसे नहीं बढ़ेगी उसको टेक्नोलॉजी में अपडेट होना पड़ेगा अगर वो अपने आप को टेक्नोलॉजी से अपडेट करता है तो डेफिनेटली वो आमदनी बढ़ा पाएगा क्योंकि जो अभी आठ सौ हजार स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं कर पा रहा है वो आराम से दस हजार फीट तक जा सकता है तो ये जो सीनरियो अब हाँ, ये जो है हमारा अल्ट्राबे सीरीज आप देखेंगे सारे मॉडल में हमने अल्ट्राबे नहीं लिखा हुआ है ये देखिए अल्ट्राबेस जहां भी हमने लिखा हुआ है जहां भी अल्ट्राबे लिखा हुआ है वो सारे हमारे प्रूवन टेक्नोलॉजिकली और मेटलर्जी मोटर क्वालिटी पिस्टन इन सब में जो हम देते हैं वो प्रीमियम होता है वो प्रीमियम होता है हाँ उसका कॉस्ट का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है लेकिन जब आपका काम रेगुलर है काम बड़ा है तो वो सिनेरियो में अगर आप अच्छे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करोगे तो मेंटेनेंस में ब्रेकडाउन में टाइम नहीं जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है जब आप किसी भी बड़े बड़े प्रोडक्ट में में प्रोजेक्ट काम कर रहे हो और अगर आपको बार बार मेंटेनेंस में टाइम देना पड़े क्योंकि तो काम ज्यादा निकालना है डेली दस हजार फूट बीस हजार फूट काम करना है और उस सिनेरियो में अगर आपको हर तो, चौथे दिन दसवें दिन अगर मेंटेनेंस में दो दिन बिगाड़ना पड़े तो इट इज नॉट वायबल इसके अल्ट्रा बेस सीरीज दिया हुआ है कि आप रिलायबल होकर के बड़े काम पकड़ सकते हो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी बेसिक मॉडल के मुकाबले ये दुगना तीन गुना काम करता है और मेंटेनेंस कम देता है तो जब आपका काम बड़ा हो तो आपको अल्ट्रा बेस सीरीज ही इस्तेमाल करना है ऐसा है और उसी में ये और बड़े मॉडल जो आपका पेंट का विस्कोसिटी ज्यादा है मटेरियल का विस्कोसिटी ज्यादा है तो उसके लिए भी हमारे पास रेंज है कि जैसा जैसा पेंट का विस्कोसिटी बदलते जाएगा मटेरियल का विस्कोसिटी बदलते जाएगा आप बड़े मॉडल में जा सकते हैं वेरायटी अच्छी है सर आपने इतने सारे मशीन बताए पर उनको यही नहीं पता है कि कौन सा मशीन खरीदूँ और खरीदने के बाद इसे यूज कैसे कर सके ये ये आपने बहुत बहुत अच्छा सवाल किया और मैं आपने अगर मेरे भी चैनल में देखा होगा तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है हम कस्टमर को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि टाइम जाता है लेकिन अगर आप कंपनी पे आएंगे विजिट लेंगे तो आपको जो ट्रेनिंग दिया जाएगा ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपको मशीन यूज करना आता है कोई बात नहीं आप मशीन मंगा लीजिए आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी डिलीवरी मिल जाएगी लेकिन अगर आप कहीं दूर हो आप सोच रहे हो कि भाई मैं मशीन कोई बड़ा वाला मशीन जैसे ये मंगा लिया और आप काम करना स्टार्ट कर दोगे तो उतना आसान भी नहीं है हम चाहते हैं कस्टमर हमारे यहाँ चाहे छोटा मशीन हो चाहे बड़ा मशीन हो यहाँ जो भी कस्टमर आते हैं उनको हम भरपूर ट्रेनिंग देते हैं ना सिर्फ मशीन इस्तेमाल करने के लिए लेकिन बेसिक सर्विसिंग वो अपने आप खुद कर सके उस मेरा ही वही है कि कस्टमर इंडिपेंडेंट बन जाए कि ऐसा नहीं हो कि जब वो एक बार मशीन चला लेगा पंद्रह दिन चला दिया कोई दिक्कत हुआ फिर मशीन के लिए वो बैठ जाएगा अब क्या करें ऐसा नहीं होना चाहिए तो हम चाहते हैं कि कस्टमर मशीन खरीदे और खरीदते समय यहाँ आकर के ट्रेनिंग ले ट्रेनिंग लेने के बाद वो नॉन स्टॉप छोटे मोटे प्रॉब्लम को खुद ही रिपेयर कर देगा आपने बताया कि ट्रेनिंग पे आप देते हो पर कोई ऐसा सोचा मुझे जाना है बाहर से है जैसे कि अभी आप वडोदरा गुजरात में हो कोई चाहता है कि आउट स्टेट बाहर से आए और यहाँ पे शुरू आए तो कितने दिन के लिए उनको ट्रेनिंग वगैरह का प्रोसेस हाँ हाँ, हाँ ये 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 प्रोसेस भी सही कहा देखो सब गुजरात में टूरिज्म भी बढ़ेगा अगर आप लोग आएंगे तो हम तो ये चाहेंगे कि हमारे यहाँ आप सिर्फ सुबह दस सवा बजे आ जाइए तीन बजे से पहले एक्स वाई जेड मॉडल आप कोई भी मॉडल सेलेक्ट करो आपको चार से पाँच घंटे में ट्रेनिंग दी जाएगी मतलब मशीन का ऑपरेशन मशीन का फंक्शन मटेरियल कहाँ से अंदर जाता है पिस्टन क्या काम करता है प्रेशर कैसे बनता है सेंसर क्या काम करता है क्लीनिंग कैसे किया जाएगा बेसिक मतलब स्पेयर पार्ट्स क्या क्या होते हैं किसको क्या कहते हैं वो ट्रेनिंग का सेशन चार घंटे या पाँच घंटे से ज़्यादा नहीं रहता है उतना टाइम आप दे दीजिए आपका ये सब्जेक्ट नॉलेज बहुत बढ़ा देगा और ये जो सीनरियो है ये जो सीनरियो है उससे आपका फायदा ये होगा कि जब कभी भी अच्छा यहाँ जो आते हैं हम उनको ये चाहते हैं कि आप जब ट्रेनिंग ले रहे हो आप वीडियो भी उत, बना लो आप अपना खुद का जो ट्रेनिंग ले रहे हो वो वो वीडियो भी बना लो वो आपको आगे काम आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहा आपने कि भाई कैसे करना कितना टाइम जाएगा तो पांच घंटे से ज्यादा आपको हमारे कंपनी में रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रेनिंग हो जाएगा एक दिन ज्यादा लेके आइएगा गुजरात में या नजदीक में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है वो भी घूम के आ सकते हैं बिल्कुल आपने जैसे कि बताया एक दिन में कम्प्लीट हो जाएगा वीडियो भी लेगा तो दोस्तों इससे ये फायदा आपको होगा कि आपने वीडियो लेगा तो बाद में आपको इनको कॉल नहीं करना पड़ेगा कि मुझे ये दिक्कत आई है आप डायरेक्ट अपने वीडियो जो लिए उससे ही आप समझ सकते हो क्योंकि उन्होंने डिटेल में आपको दिखाया होगा कि इसे यूज कैसे करना है मेंटेनेंस कैसे करना है तो आप अपने हाथ से खुद से कर सकते हो तो ये बात आपको ध्यान में रखनी हो और डिटेल में वीडियो बनाना ही है जैसे कि बोला वैसे भूलना मत तो सर आप मुझे ये बताओ कि ये जो मेन तो दुख का होता है हाउस पेंटिंग वर्क करे तो मैं बात करूँ एक पेंटिंग वर्क के लिए होता है और एक मैन होता है पुट्टी, पुट्टी वर्क, वर्क के लिए तो पेंटिंग वर्क में कितने मॉडल्स है वो पहले अच्छा ये ये भी सवाल सही कहा जो स्टार्टिंग से आप ऊपर वाले ये टेबल रेंज में देख रहे हैं ये स्टार्टिंग से सारा पेंटिंग के लिए मशीन से ये सारे मॉडल्स पेंटिंग करेंगे ये एक मॉडल हमारा ऐसा है जो पेंट भी करता है पुट्टी भी करता है अच्छा तो अभी ये दिखने में

जो है ये मॉडल होना चाहिए बाकी पुट्टी के लिए ये सारे मॉडल है हमारे पास जो पुट्टी में अच्छे सक्सेसफुल है टी 900 हमारा मोस्ट पॉपुलर मॉडल है अपना हर साल करीब 300 से 500 पीस हम बेचते हैं ये वॉल पुट्टी के लिए और सर आपने मुझे पेंटिंग के लिए तो बता हा, दिया हाउस पेंटिंग के लिए पर इंडस्ट्रियल वर्क में आप कोई चाहता है कि मैं मशीन खरीदू बड़ा काम मुझे करना तो वो कैसे डिसाइड करेगा मुझे कौन सा मॉडल लेना चाहिए हाँ ये 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 सवाल बहुत टेक्निकल है और ये मुझे बहुत पसंद है कि मुझे टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा पसंद है मैं कस्टमर से यही चाहता हूं कि आप अपने पेंट की डेटा शीट भेजें मतलब जैसे अगर आपको कोई इंडस्ट्रियल प्राइमर इस्तेमाल करना है तो प्राइमर का डेटा शीट होता है हर इंडस्ट्रियल पेंट के लिए टी मिलता है टी मतलब टेक्निकल डेटा शीट आप अपने इंडस्ट्रियल पेंट के लिए या वाटर प्रूफिंग कॉन्टेक्टर्स है वो भी अगर आ, किसी भी किस्म का मटेरियल को स्प्रे करना चाहता है तो हमारे नंबर पे टी डी एस बेस्ड है मटीरियल का टी टेक्निकल डेटा शीट उसके बेसिस पे हम तय करेंगे कि आपको कौन सा मॉडल सूटेबल है क्योंकि कोई भी एक मॉडल सब काम के लिए सूटेबल नहीं होता है तो हर अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग मशीन्स दिए जाते हैं क्योंकि उसमें वॉल्यूम सॉलिड जैसे डेकोरेटिव में नॉर्मली क्या होता है चाहे आप अल्टीमा कर रहे हो या एपेक्स कर रहे हो या वैदरशील मैक्स कर रहे हो मतलब जो अलग अलग कंपनी के इंटीरियर एक्सटीरियर पेंट्स हो गए उसमें विस्कोसिटी में और वॉल्यूम सॉलिड्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है तो जो मॉडल्स हैं वो एक कंपनी के लिए कर रहा है तो वो दूसरे कंपनी के लिए भी वही मशीन काम करेगा तो डेकोरेटिव में उतना इश्यू नहीं होता लेकिन इंडस्ट्रियल और वाटरप्रूफिंग कोटिंग के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप हमारे साथ डेटा शीट शेयर करें और डेटा शीट के बेसिस पे हम आपको मटेरियल सजेस्ट करेंगे मशीन सजेस्ट करेंगे कि कौन सा मशीन आपको वो पर्टिकुलर मटेरियल के लिए इस्तेमाल करना चाहिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और सर ऐसा भी होता है ना ना कि कि हर किसी को कि किसी को को सेम साइज चाहिए चाहिए हाँ, तो तो येस, चाहिए होते में जैसे इंच पट्टी यस 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 ये ये देखो ये जो चीज है अब जैसे मान लो ऑयल पेंट कोई कर रहा है लेकिन एक बंदा जो है ऑयल पेंट जो है स्ट्रक्चर के लिए कर रहा है एक टैंक के लिए कर रहा है एक कोई अस्पताल के लिए कर रहा है तो हर एक का एप्लीकेशन अलग है हालांकि पेंट सेम है लेकिन जैसे ब्रश में हम देखते हैं एक इंच दो इंच तीन इंच चार इंच ठीक है क्यों क्यों इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसको कितने एरिया में वाइड करना है उस हिसाब से वो ब्रश इस्तेमाल होता है एक इंच या चार इंच वाला उसी हिसाब से टिप्स के लिए जो आपने पॉइंट निकाला मैं यही चाहता हूं कि कस्टमर को वो सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए कि टिप जो है वो इतने वैरायटी का आ, आता है हमारे पास करीब सिक्सटी वेराइटीज आपको अगर सुनने में ऐसा लगे कि उसमें सिक्सटी ब्रश तो एक दो तीन चार इंच का आता है चार वेरायटी हो गया लेकिन टिप्स में ऐसा नहीं है टिप्स की मोटाई और चौड़ाई वो दोनों के कॉम्बिनेशन जो मल्टीपल कॉम्बिनेशन होते हैं उसके बेसिस पे हम सिक्सटी वेराइटीज के टिप्स बेचते हैं जैसे एक एग्जाम्पल आपको दे दूं की फाइव वन सेवन जो डेकोरेटिव में सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है वो क्या दर्शाता है कि फाइव स्टैंड फॉर फिफ्टी डिग्री सेवनटीन स्टैंड फॉर सेवनटीन थाउ मतलब कि सत्रह थाउ का जो डाया है वो मटेरियल उसमें से निकलेगा और 50 डिग्री मतलब ये पैटर्न जो आपका बने बनेगा वो तो करीब 10 से 12 इंच का होगा वो आपको अल्टीमा या डिस्टें भी करना है तो वो सूटेबल है लेकिन अगर प्राइमर है जो नॉर्मली पतला करते हैं तो हम सजेस्ट करेंगे आप 515 में जाए क्योंकि प्राइमर कंपैरेटिवली थोड़ा सा पतला होता है तो फाइव रहेगा फिफ्टी डिग्री चलेगा लेकिन थाव जो है सत्रह की जगह पंद्रह हो जाए डिस्टें अगर मोटा करना चाहते हो तो आप पांच की जगह पांच भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये एक डिफरेंस हो गया जैसे पुट्टी करना है तो पुट्टी जो है वो बहुत मोटा होता है पुट्टी के लिए अगर कई कस्टमर ऐसा होता है मशीन खरीद लेते हैं फिर वो सत्रह था उसे कहते हैं सर पुट्टी नहीं निकलता भाई पुट्टी नहीं निकलेगा है ना पुट्टी नहीं निकल सकता क्योंकि पुट्टी जो है काफी मोटा मटेरियल है विस्कस मटेरियल है तो उसके लिए थर्टी मतलब कि या तो 335, 435, 535, 635 डिग्री अलग अलग होगा

आप पेंट करना चाहते हो तो उसके लिए अलग टिप रहेगी और स्प्रे करना चाहते हो तो उसके लिए जो आगे की नोजल और टिप होती है वो अलग रहेगी वेरायटी रखना पड़ेगा वेरायटी रखना पड़ेगा बात सही है आपका और उसी हिसाब से मशीन रिपेयरिंग के लिए भी हमको यही कस्टमर्स को कहते हैं कि आपका जब भी कोई मशीन्स के लिए इशू हमारे कस्टमर्स नॉर्थ ईस्ट में भी हैं सदर्न स्टेट्स में भी है जम्मू में भी है तो उन सबको मतलब रिपेयरिंग के लिए हमारा यही फंडा होता है कस्टमर्स हम हमको वीडियो बना के भेजते हैं हमको वो वीडियो बना के भेजते हैं कि उनके क्या प्रॉब्लम है तो उसकी मॉडल के अनुरूप कौन सा स्पेयर पार्ट बदलना है और वो स्पेयर पार्ट को कैसे बदले उसका हम वीडियो बना के उनको भेज देते हैं। ताकि कस्टमर को उनके जगह पर वो वीडियो मिल जाएगा उनको वो स्पेयर पार्ट बाय कुरियर मंगा लेंगे और वहां बैठे बैठे अपने मशीन का रिपेयरिंग वो खुद कर सकते हैं यस yes. कहने का मतलब ये है कि आपने मशीन खरीद लिया उसके बाद जो आपको सर्विस मिलने वाली है वो भी काफी अच्छे मिलने वाली है कोई भी बिगड़ेगा या फिर आपको मेंटेनेंस में प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट सर या उनकी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी या फिर आप उनसे कांटेक्ट करेंगे और आपको इमिडिएटली उसका जवाब मिलेगा तो आपका ऐसा नहीं रहेगा कि साइड पे काम करे और अटक रहा है वो आपका जो कुछ टाइम है बस कुरियर का वो और आपको मेंटेनेंस करने में वही लगेगा बाकी आपका मशीन रेडी हो जाएगा आगे यूज करने के लिए hmm. सर जैसे कि आप अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि इसका 15 -20 दिन में बात आपने सही निकाला कि अब जैसे मैं एग्जांपल दूंगा समझो की ये साठ हजार रूपए का मशीन है अब ये साठ हजार रूपए का मशीन जो है पेंटिंग के लिए अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये पंद्रह या बीस दिन में आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे देगा तो कैसे दे देगा तो नॉर्मली सब आप भी जानते हैं कि अब एक पेंटर जब काम करता है हाथ से ब्रश रोलर से काम करता है तो ब्रश रोलर का खर्चा अलग है लेकिन दिन भर में वो आराम से 500 से 700 से शायद 800 स्क्वायर फीट काम कर लेगा अब आज के तारीख में आप जानते हैं सब पेंटर जो है 600 से आठ सौ हाजिरी ले रहा है छे सौ रुपये से नीचे मिलेगा नहीं और कई शहरों में तो आठ सौ तक हाजिरी हो गया है अब आठ सौ आदमी काम कर रहा है या छः सौ काम कर रहा है और 600 स्क्वायर फीट काम कर रहा है आठ सौ रुपए वाला मान लो आठ सौ स्क्वायर फीट काम कर रहा है तो एक स्क्वायर फीट जब वो प्राइमर लगा रहा है तो कॉस्टिंग बैठ गया आपका एक रुपया ठीक है उसमें कोई दोहराई नहीं मतलब आपका कॉस्टिंग हो गया जब आदमी मैनुअली कर रहा है तो एक रुपया स्क्वायर फीट हो गया वही चीज अब जब वो मशीन से कर रहा है ये मशीन मेरा आराम से दस स्क्वायर फीट बहुत आराम से दस हज़ार स्क्वायर फीट अगर आपको चाल अच्छी है तो बारह हजार पंद्रह हजार तक भी एक दिन में काम कर सकते हो अब अगर ये बारह हजार स्क्वायर फीट काम करता है एक दिन में मान लो एक हेल्पर है एक पेंटर है हेल्पर उस हिसाब से कि भाई पूरा दिन आदमी शायद गन चलाते थक जाए तो आदमी इंटरचेंज कर सकते हो तो अगर वो बारह हजार स्क्वायर फीट दो आदमी मिला के अगर आपको आउटपुट दे रहे हैं हालांकि ये मैं यहाँ के लिए बता रहा हूँ कि अपने को हेल्पर रखने की या सपोर्डिनेट रखने की आदत है फॉरेन कंट्रीज में एक ही पेंटर होता है वही मशीन लेके जाता है वही पेंट मिक्स करता है वही काम करता है तो प्रोडक्टिविटी और ज्यादा होती है इंडिया में अभी भी वो स्टेज नहीं है मैं चाहता हूँ आगे जाके वो स्टेज हो तो अगर दो पेंटर का भी मैं कॉस्ट गिनता हूँ बारह सौ रुपए या सोलह सौ रुपये और आपने बारह सौ रुपए में अगर बारह हजार स्क्वायर फीट का, का काम कर दिया तो आपका सीधा सीधा दस पैसे स्क्वायर फीट हो गया हो गया कैलकुलेशन बहुत सिंपल है दस पैसे स्क्वायर फीट हो गया अभी दिन में आपने बारह हजार स्क्वायर फीट काम किया आपने बीस दिन काम किया बीस दिन आपने बारह हजार या दस हजार स्क्वायर फीट के हिसाब से काम किया तो आपका 2 ,000, 40 ,000 20, दो लाख चालीस हजार या बीस दो लाख या दो लाख चालीस हजार स्क्वायर फीट के बीच में काम हो जाएगा अब जब इतना काम हो जाएगा उसके सामने आपका लेबर कॉस्ट क्या था दो आदमी का दिन का बारह सौ रुपए मतलब अगर आ, आप ये जो आ, देखेंगे बीस दिन का तो वो आपका हो जाएगा चौबीस हजार रुपए तो चौबीस हजार रुपए दो लाख चालीस हजार रुपये मैंने तो भाई गलती कर दी एक हफ्ते में पैसेंज फ्री हो जाएगा मतलब दस दिन काम करोगे तो मशीन फ्री है हाँ खाली ये चाहिए चाल होना चाहिए आपके पास वॉल्यूम है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फास्ट है क्योंकि तो ये काम ज्यादा कर सकता है लेकिन आपके पास चाल तैयार करना पड़ेगा तो इससे सबसे बड़ा फायदा ठेकेदार कान खुल के सुन ले बहुत बड़ी समझदारी वाली बात है कि कई काम ऐसे होते हैं आपको आ रहे हैं आप मना कर देते हैं क्यों मना कर देते हैं आपको डर लगता है आपकी टीम नहीं है टाइम पे काम आप कमिट नहीं कर पाओगे कि आप काम पे टाइम पे काम करके दे सकते हो तो उनके लिए ये बहुत सुनहरी मौका है और टेक्नोलॉजी को अपनाएं आप कोई भी काम जो आपका आ रहा है छोड़ना नहीं है क्यों? क्योंकि जब आपके पास मशीन है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी जो भी काम आ रहा है एक एक मशीन दस बारह हजार फुट काम कर रही है जितना काम आ रहा है आने दो तो काम करते रहो पैसे कमाते रहो तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जैसे आपने पॉइंट निकाला बहुत सही है दस पैसा आपको लेबर कॉस्ट लग जाएगा पांच दस पैसा इधर उधर खर्चे गिन लो फिर भी और दूसरा

मौका है पेंट इंडस्ट्री में कि पेंट इंडस्ट्री में सिचुएशन ये हो गया है कि कॉन्ट्रैक्टर को कस्टमर से रेट ज्यादा मिल नहीं रहे हैं नीचे प्रेशर है कि आप पेंटर के रेट बढ़ाओ उनका सैंडविच सिचुएशन है तो सैंडविच सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आपको कस्टमर भले रेट ज्यादा ना दे लेकिन आप अपने पेंटर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हुए उनको भी दो पैसा ज्यादा दोगे तो दोनों का काम हो जाएगा काम हाथ से नहीं जाएगा टाइम पे काम हो जाएगा पेंटर को दो पैसा देना है ज्यादा वो भी आप दे पाओगे मतलब ऑल इन वन सोल्यूशन इसीलिए तो हम कहते हैं वन स्टॉप है, है. मैं इसे ये ये तो तो समझ गया कि मशीन में एक तो आपको लेबर कम चाहिए ऊपर से काम ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी होगा तो आप कस्टमर को प्राइस भी कम कर सकते हो प्राइस कम कर सकते हो या मैं तो बोलता हूँ प्राइस कम करने की जरूरत नहीं है लेकिन कस्टमर को आप कमिट कर सकते हो टाइम पे काम आजकल बहुत सीनियर ये हो गया है कि पेंटर मिल जाते हैं कम रेट में कोई काम रख भी देगा लेकिन टाइम पे काम नहीं कर रहे आप अपने रेपो बनाओ आप जो कमिट कर रहे हो वो टाइम पे काम करके दे सकते हो बिना रेट कम किए और बिना आपका प्रॉफिट कम किए मतलब आपका प्रॉफिट में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा आपके लेबर भी आपसे खुश हैं क्योंकि उनको भी आप ज्यादा दे पाओगे क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी ज्यादा है जो आदमी 500 700 800 फुट कर रहा था वो दस हजार काम आराम से कर रहा है तो उसको भी दो पैसा ज्यादा देने में दिक्कत नहीं है आपने अपने कस्टमर को टाइम पे काम करके दे दिया तो उससे भी आपका कस्टमर के सामने आपका रेपो बढ़ गया और रैप काम जल्दी कर दिया तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा हो गया तो सब तरह से फायदा है टेक्नोलॉजी को अपडेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे फायदा ही फायदा है सर आपने इतना सारा डिटेल में मुझे समझाया मशीन के बारे में पर अब जो लोग देख रहे हैं उनको अगर ऐसे इच्छा है कि मैं खरीदना चाहता हूँ आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं हाँ वो वो भी बात सही है कि कस्टमर्स देखते हैं तो अब उनको मन होता है अलग अलग स्टेट्स में मतलब हम गुजरात से हैं गुजरात में बड़ौदा करके सिटी है वहाँ से तो आप खुद आए सबसे बढ़िया कि आपको पता भी चलेगा कि मशीन्स का लाइव कैसे काम होता है वो देखने मिलेगा और आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हम डिलीवर करते हैं हमारे नेशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम से करते हैं ब्लू डार्ट से भी हमारा टाइप है तो अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह है इंडिया के हर स्टेट में अपने मशीन प्रेजेंट है और उनको कहीं भी चाहिए वो डिलीवरी के लिए स्टेटस हाँ बहुत गांव देहात है, है कि उनको 25-50 किलोमीटर दूर जाके कलेक्ट करना पड़े वो सिचुएशन है लेकिन कोई भी डिस्ट्रिक्ट इंडिया का ऐसा नहीं होगा कि उसके नजदीक में हम डिलीवर नहीं कर सकते हैं जहाँ तक पोस्ट हो जाती है तक वहाँ हाँ, 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 कर सकते हैं वहाँ कर सकते हैं इसलिए वो इशू नहीं होगा और दोस्तों जैसे कि सर ने बताया आप यहाँ पे आओगे तो एक ये फायदा रहता है कि आपको ट्रेनिंग भी सर दिएगा तो आपको ऐसा नहीं कि आगे बात किया था हमने कुरियर आएगा तो फिर आपको खुद उनकी वीडियोस वगैरह देख के समझना पड़ेगा यहाँ पे आओगे तो आपको डिटेल में सर समझा देंगे और आपको पूरी ट्रेनिंग भी मिल जाएगी तो ये आपको ये फायदा रहता है तो सर ने बोला वैसे आप खरीदना चाहते हो तो आओ और यहाँ पे आके पूरी रेंज देखो और अपने हिसाब से अपना जो है।